हमेशा बोलते हैं कि जब भी हम लोग डाई एप्लीकेशन करते हैं या कलर एप्लीकेशन करते हैं इसका टाइम कितना होना चाहिए, और इसका टाइम बहुत सिंपल है, इसका टाइम बहुत सिंपल है, जब भी हमारा जो एप्लीकेशन टाइम है वो है 25 मिनट। मतलब जैसे ही मैंने ये एप्लीकेशन खत्म किया मैं इसको 25 मिनट के लिए छोड़ देता हूं, तो मतलब क्या हुआ मेरा प्रोसेसिंग एक्चुअल टाइम है 25 मिनट। उसके बाद में जैसे हमारे 25 मिनट पूरे हुए, जैसे हमारे 25 मिनट पूरे हुए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग बालों पे डालेंगे थोड़ा पानी, हमने बालों पे थोड़ा डाला पानी, और पानी डालने के बाद में 5 मिनट के लिए हम इसकी मसाज करते हैं। ये मसाज बहुत जरूरी है, पता है इसका फायदा क्या होने वाला है, हमारा जो कलर लगा हुआ है माथे के ऊपर या स्किन के ऊपर वो अपने आप निकल जाएगा। इसका मतलब आपको कोई स्टेन रिमूवर नहीं चाहिए कलर निकालने के लिए, बिकॉज हमेशा याद रखना कलर रिमूव्स कलर। तो आप इसको मसाज करेंगे 5 मिनट के बाद, तो 25 मिनट हमारा एप्लीकेशन टाइम, 5 मिनट हमारा मसाज टाइम, और उसके बाद हम इस पे करते हैं शैम्पू। तो अगर आप, मुझे लगता है अगर आप ऐसे फॉलो करेंगे आपका कलर स्किन पे नहीं आएगा, आपका कलर फोरहेड पे नहीं आएगा, और आपका कलर अच्छा नजर आने वाला है, तो कभी भी प्लीज 40 मिनट के लिए मत छोड़ो। आप इसको छोड़ेंगे सिर्फ 25 मिनट, 5 मिनट मसाज एंड देन शैम्पू।